मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई व्लॉग। आज हम सुबह सुबह मंदिर जा रहे हैं। आज मैं आपको अपनी मासी नंबर टू से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। हाय, आज हम मंदिर जा रहे हैं, बांसकारी मंदिर। ये बहुत 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 क्या है, फेमस है। यहाँ आप जो भी विश मांगते हैं वो पूरा होता है, इसलिए हम आज सुबह सुबह उठकर मंदिर के लिए जा रहे हैं। लोग इंडिया से भी यहाँ आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं ये मंदिर में। जैसे कि सुहानी मेरी दीदी इंडिया से आए हैं यहाँ पर मंदिर के लिए। जब भी आप नेपाल आते हैं, इन लोग ये मंदिर दर्शन करके ही जाते हैं। हाँ, मम्मा हचले के ही बनने सानिमा पूरा ऐसे लिख के लाई थी घर से। अब हम ई रिक्शा को ढूंढ रहे हैं मंदिर जाने के लिए। अब हम मंदिर में आ पहुँचे हैं। अब हमने मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद भी ले लिया है। अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ओए होए, देवता का सबसे मेन मेन चीज़ है, हम इसे यहाँ पर बांधने से हमारा सब वो साल भर का वो पूरा हो जाता है। देखिए, अब मैं बांधने जा रही हूँ। अब ऐसे करके बांधना है, ये बांस के उसमें बांधते हैं, इससे बहुत ही अच्छा होता है। कुल देवता हमारे सर हमारे रक्षा करते हैं। इससे ऐसे करके हम ध्वजा बांध दिया। अब ऐसे करके हमने कुल देवता को ऐसा अर्पण कर दिया। आज दशहरा भी है, हम दशहरा के समय आए, इसलिए आज बहुत ही अच्छे से हमारा पूजा हो रहा है। मंदिर से आ गए थे हम सुबह ही, उसके बाद मैं ऐसा सोई हूँ, अब जाके उठी हूँ। अब शाम हो गई है और हम सारे रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं। ये दोनों मुझे ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं मिलने के लिए। पूरा व्लॉग सेम है, डे सेम है, मासी चेंज हो गई है, बैक टू मासी नंबर वन। मम्मी तो अभी भी सेम है, हम पराठे वाली मासी पे आ चुके हैं हम वापस। हाँ, तो ये मुझे ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं, मेरे को ऐसी नींद आ रही है अभी भी। और आज हमको फिर से एक स्कूटी मिली है चलाने के लिए, सो लेट्स गो। आज हम करेंगे फरारी की सवारी। ये मुझे लेके आए, इनको खुद रास्ता नहीं पता। यहाँ पे ट्रेजर हंटिंग चल रही है, घर ढूंढा जा रहा है रिश्तेदारों का, अभी ढूंढा जा रहा है, पता नहीं कब मिलेगा और कब हम मिलेंगे। भटकने के बाद हमने घर ढूंढ निकाला है, अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये है वो जो हमें लाई थी, खुद रास्ता नहीं पता था।
ओपन एयरी। पहला घर देखा मैंने ये, जो कि ट्रेडिशनल स्टाइल से नहीं बनाया और इंडियन स्टाइल से बना है। एक्चुअली बनानिया बन रहा है। फाइनली सारे रिलेटिव से मिलने के बाद हम आए हाट बाज़ार। हाट बाज़ार बेसिकली वीकली मार्केट्स हैं। बुटवल में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, या हफ्ते में एक या दो दिन ही लगता है सिर्फ, उससे ज़्यादा नहीं। दिन ढल चुका है, रात के टाइम पे कुछ ऐसा दिखता है ये मार्केट। इसके बाद हम जाएंगे डायरेक्ट घर, घर जाके हम डिनर करेंगे एंड सो जाएंगे।